गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सचगो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट है। शायद मैं 8 पार्ट तक करवा दिया हूँ या 9th पार्ट है, तो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है ना, मतलब 133 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। 133 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और 142 तक जाएंगे, ठीक है। यह एक डिफरेंट टाइप के आर्टिकल चुनने के लिए मैं दे रहा हूँ। पहले फिलअप था, जो कि खाली स्थान रहता था और ऑप्शन दिया हुआ रहता था, उसी पे टिक मारना रहता था। और यह जो है से पूरी सेंटेंस है और इसमें इरा छाटना है कि कहाँ पे गलत है, कौन सा पार्ट में गलत है। ए पार्ट जो है से यहाँ तक है, तो क्या ए पार्ट में गलत है, या बी पार्ट जो है से यहाँ से यहाँ तक लाया है बी पार्ट में गलत है, या सी पार्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है क्या इसमें गलत है। यदि आपको गलत नहीं लगता है तो फिर नो इरर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यह जो एक दो पार्ट आएगा कुछ इसी टाइप का ही इधर हम देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि फिलर भी अब की भर दे दें, उसके बाद फिर आर्टिकल का प्रैक्टिस हम समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुका है, एक प्रैक्टिस और लेकर आएंगे जो कि 10 प्रैक्टिस तक हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 133। हे एच एन डायलेमा वेदर ही शुड गो एब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन और स्टे इन इंडिया टू सपोर्ट हिज फादर्स बिजनेस। कहते हैं कि ही इज इन ए डायलेमा, इन ए डायलेमा होना चाहिए। यह जो है एक फ्रेजल वर्ब है, यह फ्रेज है। इन ए डायलेमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन ए डायलेमा, क्या होना चाहिए, इन ए डायलेमा होना चाहिए। मतलब क्या है, ए पार्ट में इरर है, किसमें गलत है, ए पार्ट में। वह क्या है, इन ए डायलेमा मतलब दुविधा में है कि ही शुड गो एब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, कि वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहिए या नहीं, और स्टे इन इंडिया, और क्या भारत में ही रहना चाहिए टू सपोर्ट हिज फादर्स बिजनेस, पिताजी के व्यापार को सपोर्ट करने के लिए। क्या पिताजी के व्यापार को सपोर्ट करने के लिए भारत में रहना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहिए, ये चीज़ को लेकर के वह दुविधा में। ही इज इन ए डायलेमा, इन ए डायलेमा मतलब क्या होगा, दुविधा में। अगला जो क्वेश्चन है 134। इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि यू हैव लॉस्ट तुमने खो दिया है ऑल द मनी, सारे पैसा यू अर्नड जो तुमने कमाया है, बट यू हैड बेटर नोट टू लूज हर्ट। तो यू हैड बेटर नोट टू लूज हर्ट होता है, लूज ए हर्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या है, ए नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसलिए सी पार्ट में क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा, ठीक है ना, सी पार्ट इरर। अगला क्वेश्चन देखिए 135। माई फादर इज इन ए बैड मूड टूडे, मेरे पिताजी क्या है, ख़राब मिजाज में है आज। तो इन ए बैड मूड होता है, ना कि इन बैड मूड होता है, इसलिए बी पार्ट में क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, इन ए बैड मूड, क्या होना चाहिए, इन ए बैड मूड होना चाहिए, इन ए बैड मूड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इट वाज बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक होता है, ना कि बाय ए मिस्टेक होता है, मतलब ए यहाँ पे गलत है, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, मतलब ए पार्ट इरर है। इट वॉज बाई मिस्टेक्स दैट आई किस्ड हर लिप्स वाइल डांसिंग विथ हर इन द पार्टी, मतलब कि इट वॉज बाई मिस्टेक, मतलब यह गलती से था, गलती से दैट आई किस्ड, मैंने चुमा ले ली हर लिप्स उसकी होठों पर, वाइल जब डांसिंग नाच रही थी, विथ हर इन द पार्टी, पार्टी में उसके साथ, जब उसके साथ पार्टी में नाच रही थी तो मैं उसकी ओठों पर चुमा ले लिया, ठीक है ना। तो गलती से लिया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय मिस्टेक, ना कि बाय ए मिस्टेक, बाय मिस्टेक मतलब होता है गलती से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से 137 नंबर है। यू आर टॉलर डॉट डॉट ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक, तुम दो दोस्तों में से लंबे हो एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ। तो बात हो रही है 2:1 का, मतलब दो गो में से एक गो नहीं लंबा, तो इसलिए क्या लगाएगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल द, कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगेगी, कब, जब दो की बात हो रही हो तो, ठीक है ना, और देन के जगह पर ऑफ लग जाता है, हमने बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में, कॉन्सेप्ट जब कराया था तो। ही सैड उसने कहा कि दैट कि ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस, मतलब कोई भी वर्णन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, द एपिसोड इन द डिटेल, इन द डिटेल नहीं, इन डिटेल होता है, इन डिटेल मतलब डिटेल में, तो यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इरर है,
मतलब सी पार्ट में गलती है, ठीक है ना, इन डिटेल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो लाल किला है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले आर्टिकल द लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे क्या है, एरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लाल किला इज वन ऑफ दोज मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो इमारत है उनमें से एक है, विच आई नेवर मिस टू एडमायर, जिसे मैं प्रशंसा करने में नहीं चुकता हूँ, व्हेन आई विजिट दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया था, ठीक है ना, देखने के लिए। तो द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लाल किला। लाल किला हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उससे पहले आर्टिकल द लगती है, जैसे ताजमहल हुई। एवरीबॉडी लाइक्स, प्रत्येक लोग उसे पसंद करते हैं, एवरीबॉडी लाइक्स हर, प्रत्येक लोग उसे पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि सी इज ए ब्यूटीफुल, क्योंकि वह सुंदर है। तो सुंदर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ एडजेक्टिव, है ना, या बिफोर द एडजेक्टिव, बिफोर द एडजेक्टिव, बिफोर द एडजेक्टिव। सी इज ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा रे, ठीक है ना, इसलिए सी में क्या हो जाएगा, एरर है, इसमें मतलब की गलती है। एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक लोग जानते हैं दिस फैक्ट, इस तथ्य को, कि दैट कि द कैंसर इज ए डेडली डिजीज, ये घातक बीमारी है। कैंसर क्या है, घातक बीमारी है, डेडली डिजीज है। तो बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब क्या है, सी पार्ट मिरर है, किसमें है, सी पार्ट मिरर है, इसमें आर्टिकल द नहीं है। अगला देख लीजिए, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, नो इरर, ठीक है। तो द इंग्लिश, इंग्लिश क्या सब्जेक्ट का नाम है, इससे पहले अगर आर्टिकल द लग जाता है तो हिंद वहाँ का रहने वाले व्यक्तियों का बोध होने लगेगा, बोलने वाला व्यक्ति तो अंग्रेज हो जाएगा ना, तो इंग्लिश है, अब इंग्लिश से पहले हम द लगा दिए तो इससे बोलने वाले लोग हो जाएंगे, तो अंग्रेज हो जाता है, द इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। तो अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, मतलब अंग्रेज, अंग्रेज का भाषा है, अंग्रेज, अंग्रेज का भाषा थोड़े हो सकता है, इंग्लिश अंग्रेज का भाषा हो सकता है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, पे द नहीं लगना चाहिए, तब ना होगा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, मतलब अंग्रेज, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, अंग्रेज का क्या है, भाषा है, क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेज का भाषा है, तब यहाँ पे होगा ना। तो इरर किस में आया, एम इरर, ठीक है ना, नो इरर वाला एक भी प्रश्न नहीं था, सब में कुछ ना कुछ इरर जरूर था, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर किए, एंड इस यूट्यूब चैनल पर अगर नया आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड वॉच डिफरेंट वीडियो, है ना, और अलग तरह के जो भी वीडियो है उसको देखिए, और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, देखिए, चेक कीजिए कौन कौन सी वीडियो अपलोड करते हैं, कौन कौन मेरे काम लाइक है और कौन कौन नहीं, ठीक है ना, देख सकते हैं, तो शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।